अपने सहयोगी बालकृष्ण के बीमार होने पर चली अफवाहों के बाद रामदेव ने सबको करारा जवाब दिया है। रामदेव का वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बालकृष्ण को जहर या कोई जानलेवा नशा दिया गया था। खाना खाने के 15 मिनट बाद ही वो बेहोश हो गए। 12 घंटे बाद होश आया। उन्हें एम्स ले जाया गया तो उस पर भी सवाल उठा दिए। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं बालकृष्ण को मारना चाहता हूँ इसलिए एम्स भिजवा दिया। कहा कि वहाँ तो लोग मरने ही जाते हैं। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का निधन भी वहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ कौवे रोज़ काँव काँव करते हैं कि रामदेव और बालकृष्ण कब मरेंगे। इन राक्षसों में वो लोग भी हैं जो खुद को धार्मिक बताते हैं। रामनवमी और जन्माष्टमी मनाने वालों ने हमारे बारे में घटिया बातें कही हैं। करोड़ों लोगों का इलाज किया फिर भी वो जहर उगलने से बाज नहीं आते हैं। रामदेव ने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसी घटिया बातों पर कुछ कहूँ भी या नहीं। गांव से आकर बड़े बड़ों की हवा टाइट कर दी तो नफरत बढ़ गई है। मुझे तो दर्जनों बार मार चुके हैं। मेरे घुटनों का ऑपरेशन तो इतनी बार करवाया कि मोदी जी के ऑफिस से हालचाल जानने के लिए फ़ोन आ गया। अमित शाह ने फ़ोन कर पूछा, बाबा घुटने कैसे हैं? मैं ज़ोर से हंस पड़ा और कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, बस झूठ फैलाया जा रहा है। मेरा ऑपरेशन करवाने वालों याद रखना, मैं सबके ऑपरेशन करवा कर ही जाऊँगा। रामदेव बोले, मेरा तो पूरा शरीर दिखता रहता है, कहीं कोई चीरा लगा हो तो बता दीजिए। बालकृष्ण पर वो दोबारा बोले कि वो पूरी तरह ठीक है और जल्द ही भाषण देते नजर आएंगे। हम जाँच करवा रहे हैं कि उनके खाने में किसने क्या मिलाया। वो इतना खतरनाक था कि होश में आने के कुछ घंटों बाद तक भी बालकृष्ण को सुध नहीं थी। ये सब झूठ है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है या कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाने वालों, इतना तो सोच लो कि किसके बारे में क्या कह रहे हो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।